बता दें कि नगर पालिका निगम चिरमिरी में 7 सूत्री मांगों को लेकर भाजपा ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें मुख्य रूप से सड़कों पर गौवंश का घूमना, निगम कर्मचारियों का वेतन न मिलना, सिटी बस का पूर्ण संचालन न होना, रोड लाइट के मरम्मत कार्य, वाटर एटीएम के कर्मचारियों का 21 माह से वेतन न मिलना, इस प्रकार के 7 मांगों को लेकर भाजपा चिरमिरी मंडल ने एक दिवसीय नगर निगम के सामने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें सुरक्षा के रूप में पुलिस बल भी मौजूद रहे। वहीं जानवरों के सड़क पर आवारा किस्म के रूप से घूमने को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कुछ जानवरों को नगर पालिका निगम चिरमिरी परिसर में भी ले जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। अब देखने वाली बात होगी कि भाजपा के इस प्रदर्शन पर नगर निगम प्रशासन किस प्रकार से कार्य करता है, या तो आने वाले समय ही बताएगा। ये केवल चिरमिरी नगर निगम की बात नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में ही बहरी गूंगी सरकार कांग्रेस की बैठी हुई है। और जिस प्रकार से हम लोगों ने इनको 7 तारीख को ज्ञापन दिया था, अल्टीमेटम दिया था कि 7 सूत्री मांगे, जिसमें 2-3 ऐसे ज्वलंत समस्याएं थी, जिसमें हमारे जो नगर निगम क्षेत्र का सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला और पूरे देश में जिस प्रकार से स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो स्वच्छता कर्मचारी जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं उनकी 4 माह से जो वेतन भुगतान नहीं हुआ उसको लेकर हमने प्रमुखता दिखाया था। दूसरा, जो केवल चिरमिरी क्षेत्र में ही देखे तो करोड़ों रुपए की जो बंदरबांट गौठानों के नाम पे हुई है और उन गौठानों में एक भी गाय नहीं है, उन गौवंशों को जो लावारिस स्थिति में नगर निगम क्षेत्र के किसी भी गलियों में आप जाइए, सड़कों पर जो 10 मिनट का रास्ता है उसको पार करने में 1 घंटे लगते हैं और दुर्घटनाओं के शिकार गौ माताएं और आम जनता भी हो रही है, उसको ठीक करने की बातचीत थी। और ऐसे 7 मुद्दों को लेकर हमने धरना प्रदर्शन हेतु ज्ञापन दिया था, परंतु प्रशासन ने, नगर निगम के जो कमिश्नर हैं, महापौर जी हैं, उन्होंने किसी प्रकार का सुध नहीं लिया और आज 20 दिन बीत जाने के बाद भी हम लोगों ने जो कार्रवाई नहीं हुआ, तो आज धरना प्रदर्शन किए हैं। यदि हमारी मांगों को पूरी नहीं किया गया तो आने वाले समय में एक लंबी लड़ाई हम लड़ेंगे, ये तो अभी प्रारंभिक दौर है। संस्कार है भारतीय जनता पार्टी का कि जो भारतीय पत्नी है उसको बबली का संख्या देना, अगर एक कोई आदमी है उसको क्या बोले आप, बंटी की संख्या देना, ये उनका संस्कार है, भारतीय जनता पार्टी का नियत है। और ये नियत खोर लोग हैं, इनके पास कहीं भी कोई मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी के पास आज चिरमिरी नगर निगम में है नहीं। आज अगर आप देखेंगे सड़कों से लेके मूलभूत की बात करें, पानी की बात करें, तो बहुत सारी समस्याओं को हमने ठीक किया है। मैं ये नहीं बोलता कि सारी की सारी समस्या दूर हो गई है, ये पेमेंट की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार में आप जाके RTI लगाइए, RTI नहीं भी लगाएंगे तो आप आ जाइएगा, मैं अधिकारियों से आपको ला के दूंगा कि कितने कितने महीने तक लोगों को वेतन नहीं मिलते थे और अभी तो वेतन भी मिल रहा है। परिवारवाद की बात बोल रहे थे, परिवारवाद है, टेंडर भी उनके बड़े भाई के पास रहता है और बात करते हैं कि ACCL जो है काम नहीं कर रहा साफ सफाई को लेकर। मेरे बड़े भाई के नाम से अगर कोई टेंडर है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखा दें कि सफाई का जो टेंडर है मेरे बड़े भाई के नाम से है। आज डंके की चोट में मैं विधायक से इस्तीफा दे दूंगा, और यदि अगर ये ऐसा नहीं है कि मेरे बड़े भाई के नाम से ACCL की सफाई का टेंडर अगर नहीं है, तो वो भी मैं बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नियत है, नियत खोर लोग हैं, इनकी नियत में चिरमिरी के विकास की बात है ही नहीं है। उसको तत्काल किया जाए, जब 4 महीने नहीं था 3 महीने का था, जिसमें से 2 महीने के रेगुलर कर्मचारियों को दे दिया गया है और 1 महीने का रिप्लेसमेंट कर्मचारियों को दे दिया गया है। अभी टैक्स कलेक्शन चल रहा है, उसके अलावा ACCL से बात हो रही है, साथ में शासन से भी हमने डिमांड किया है और जैसे ही आएगा उसका भी। सिटी बस हो गया है, गाजर घास हो गया, सड़क पे जो जानवर घूम रहे हैं इनके रोकथाम के लिए जो शासन द्वारा गोठान बनाया गया उसका भी सही उपयोग नहीं हो रहा, ना ही कांजी हाउस का सही उपयोग हो रहा है। देखिए, गोठान जो है डे केयर सेंटर है, वहाँ जो रजिस्टर्ड पशु रहते हैं वो आते हैं, जो सड़क में रात में जो पशु आ रहे हैं उनको हम शहर से बाहर खदेड़ते हैं, लेकिन पुनः वो आ जाते हैं, उसका हम एक कार्य योजना बना रहे हैं, एक उसको भी जल्दी। लास्ट में नगर पालिक निगम पशुओं का रजिस्ट्रेशन कब करवाया? देखिए, इसकी अभी मैं जानकारी नहीं है, लेकिन मैं उसको पता कर लेता हूँ और साथ में अब नया रजिस्ट्रेशन हम करवाएंगे। जो बाहर बैठे हैं हड़ताल पे, सर इनको हड़ताल किस आश्वासन के साथ खत्म करवाना चाहेंगे?
देखिए जो उनकी डिमांड है वो अधिकतर संभव पूरा कर किया जाएगा। लेकिन सर अभी जो वाटर एटीएम वाले जितने भी कर्मचारी हैं 21 महीने से क्या कर था ऐसा कि उनका भुगतान नहीं किया गया? देखिए वाटर एटीएम पे एक गाइडलाइन है कि जो वाटर एटीएम से जो कलेक्शन होगा उससे ही भुगतान किया जाना और मेंटेनेंस किया जाना, परंतु हमारा जो वाटर एटीएम से कलेक्शन उतना नहीं हो पा रहा, उसका हम कारण पता कर रहे हैं और यथासंभव जो भी हो सकता है उनका भुगतान किया जाएगा। अभी हम उनको एक महीने का पेमेंट और कर रहे हैं। आपके द्वारा बताया गया कि टैक्स का कलेक्शन किया जा रहा है, क्या मतलब समझा जाए कि निगम में किसी तरह का फंड अभी तक अवेलेबल नहीं? निगम में जो वेतन है वो टैक्स और अनुदान पे डिपेंड करता है, संपत्ति का समेकित करिए इस चीज़ पे, और जब उसका कलेक्शन करेंगे तभी हम भुगतान कर पाएंगे।